नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कामयाब कदम पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय विवाह के बारे में। दोस्तों इससे CGPAPM और CGPSC में बहुत सारे जो पोस्ट निकलते हैं उसके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसका एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत देखना। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें बताएंगे आपको विवाह के प्रकार और कौन से जनजाति द्वारा की जाती है उसको, उसके बारे में और उसके कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में। तो दोस्तों पहला है अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह जिसे कहते हैं। दोस्तों यह गौड़ जनजाति प्रचलित है। दोस्तों इसमें होता यह है कि युवक द्वारा युवतियों को अपहरण कर लिया जाता है और फिर विवाह किया जाता है। दोस्तों दूसरा है दूध लौटावा विवाह, यह भी गौड़ जनजाति में होती है। इसमें दोस्तों ममेरे और फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। विनिमय या गुरावट विवाह, दोस्तों इसमें जो है ना वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह होता है। चौथा है हट विवाह, इसमें लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना होता है। और पाँचवा जो है ढुकू विवाह, दोस्तों यह जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों यह भी हट विवाह के समान है, इसमें लड़की घर में जबरदस्ती घुस जाती है। छठवां जो है दोस्तों यह है भगेली विवाह, यह जो है गौड़ जनजाति में प्रचलित है, इसमें लड़की लड़के घर जबरदस्ती रहती है। सातवां है पैठुल विवाह, दोस्तों यह समस्त जनजाति में प्रचलित है, इसमें लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। और आठवां है पठौनी विवाह, इसमें यह जो है गौड़ जनजाति में प्रचलित है, इसमें लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है। नौवां जो है सेवा या चरघिया या लम्बसेना विवाह जिसे कहते हैं। दोस्तों यह गौड़ जनजाति में प्रचलित है, इसमें वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लम्बसेना में सेवा देना होता है। दसवां है तीर विवाह, यह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है, इसमें लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। और 11 है अर उतो विवाह, इसमें विधवा विवाह होता है। 12 है गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, यह प्रजा जनजाति में प्रचलित है, इसमें प्लायन कर। 13वां है क्रय विवाह या पारिंग धन विवाह, दोस्तों इसमें वर को उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना होता है। और 14वां विवाह है पाटो विवाह, दोस्तों यह कोरकू जनजाति में प्रचलित है, इसमें जो है पुनर्विवाह का प्रावधान होता है।